नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। युवक कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि विक्रांत धुरिया ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गुमान सिंह डामोर पर खुले मंच आरोप लगाते हुए कहा कि गुमान सिंह डामोर पर पीएचई विभाग में पदस्थ थे। झाबुआ जिले व मध्य प्रदेश में जितने भी हड़कंप खनन में जितने भी घोटाले उनके ही कार्यकाल में हुए हैं और वे इस जिले से सबसे भ्रष्ट अधिकारी में से एक गिने जाते हैं। डॉक्टर विक्रांत धुरिया ने कहा कि वे इतने विकास पसंद है तो उनके कार्यकाल में जिले में जल संकट की स्थिति क्यों बनी हुई है और वे ग्रामीण के लिए अब तक कितने हैंडपंप खनन करवाए हैं बताइए। विक्रांत भूरिया ने खुले मन से आम सभा में भी लोगों को गुमान सिंह चोर है के नारे लगवाए। हैंडपंप चोर कौन है? गुमान सिंह डामोर। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने मन से ऋण माफी योजना के बारे में भी गुमान सिंह डामोर भाजपा प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए कि इन्होंने ऋण माफी वितरण के प्रमाण पत्र व ऋण माफी योजना लोगों तक नहीं पहुंचे उसका भी आरोप लगाया। गुमान सिंह डामोर, क्योंकि इसने हैंडपंप की चोरी कर 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 आज हमारे यहाँ जो पानी की किल्लत है उसके सबसे बड़ा कारण ये गुमान सिंह डामोर है। आज हमारे फसल ऋण माफी में प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण गुमान सिंह डामोर है, क्योंकि इस गुमान सिंह डामोर ने कलेक्टर से शिकायत करी और ये भाजपा वालों ने शिकायत करी कि ये जो किसानों का ऋण माफी हो रहा है ये नहीं होना चाहिए भैया। अगर ऋण माफी हो गया तो हमारे वोट कट जाएंगे, तो आप लोग ऐसे व्यक्ति को वोट दोगे कि ऐसे व्यक्ति को वोट दोगे जो दिन रात। हालना से मानकलाल जैन की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।